ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने भारत के साथ अपने संबंधों पर बात की है। इससे पहले ऐसी रिपोर्ट्स आई थीं कि ऑस्ट्रेलिया ने कथित रूप से भारत के दो जासूसों को साल 2020 में देश से निष्कासित किया था। 2021 में ऑस्ट्रेलिया की खुफिया एजेंसी के प्रमुख ने कहा था कि कुछ विदेशी एजेंट देश में सक्रिय हैं, हालांकि उन्होंने उन एजेंटों की राष्ट्रीयता के बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी। खुफिया एजेंसी के प्रमुख का ये बयान साल 2020 के मामले से जुड़ा था। कई मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने इस सप्ताह अपनी रिपोर्ट में ये दावा किया है कि वो विदेशी एजेंट भारत के थे, हालांकि ऑस्ट्रेलिया ने न तो इन रिपोर्ट्स की पुष्टि की है और न ही खंडन। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेन्नी वोंग ने ये जरूर कहा है कि उनकी सरकार किसी भी विदेशी दखलंदाजी से निपटने के लिए तैयार है। वित्त मंत्री जेम्स चार्ल्समर्स ने बुधवार को एबीसी न्यूज से कहा, मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूं। भारत के साथ हमारे अच्छे संबंध हैं, ये एक अहम आर्थिक संबंध हैं। दोनों ही पक्षों के प्रयासों के परिणाम स्वरूप हाल के सालों में दोनों देश करीब आए हैं। 3 साल पहले ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन यानी ASIO के प्रमुख माइक बर्गेस ने कहा था, जासूसों के एक नेटवर्क ने कुछ मौजूदा और पूर्व राजनेताओं, एक एम्बेसी और स्टेट पुलिस सर्विस के साथ साल 2020 में पूरे साल योजनाबद्ध तरीके से संबंध बनाए थे। बर्गेस ने बताया था कि एजेंटों ने भारतीय समुदाय की निगरानी की और सरकारी अधिकारी से एयरपोर्ट पर सुरक्षा प्रोटोकॉल के विषय में बात की और ऑस्ट्रेलिया के व्यापार से जुड़ी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन हासिल करने की कोशिश की। सोमवार को अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा था कि ऑस्ट्रेलिया ने साल 2020 में एक काउंटर इंटेलिजेंस ऑपरेशन के तहत 2 भारतीयों को देश से निष्कासित कर दिया था। उस वक्त एबीसी न्यूज ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि भारतीय एजेंटों के एक ग्रुप ने ऑस्ट्रेलिया के व्यापार, सुरक्षा और रक्षा प्रोजेक्ट से जुड़ी गोपनीय जानकारी को टारगेट किया था। ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन के प्रवक्ता ने बीबीसी को बताया कि एजेंसी गोपनीय मामलों पर कोई टिप्पणी नहीं करती है। कैनबरा स्थित भारतीय उच्चायोग ने भी मामले में कोई जवाब नहीं दिया है। ये दावे ऐसे वक्त पर सामने आए हैं जब पश्चिमी देशों ने भारत पर विदेशी जमीन पर खुफिया कार्रवाइयों में शामिल होने का आरोप लगाया है। इन दावों में पिछले साल जून में कनाडा में सिख अलगाववादी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का मामला भी शामिल है। भारत इन आरोपों का पुरजोर खंडन करता रहा है। खालिस्तान समर्थक नेता और अमेरिकी नागरिक गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की नाकाम कोशिश के मामले में भारतीय खुफिया एजेंसी के शामिल होने के दावे से जुड़ी वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट को भारत ने निराधार बताया है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने भी इस रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया दी है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वेदांत पटेल ने कहा, हम भारत सरकार से भारतीय जांच कमेटी के नतीजों के आधार पर जवाबदेही की उम्मीद करते हैं। हम लगातार उनके साथ काम कर रहे हैं और अतिरिक्त जानकारियां भारत से मांग रहे हैं। हम भारत सरकार के साथ उच्च स्तर पर अपनी चिंताएं साझा करना जारी रखेंगे। इससे ज्यादा हम इस मामले पर बात नहीं कर सकेंगे। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बीते साल 22 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अमेरिका में थे, तब भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के एक अधिकारी अमेरिका में किराए के हथियारों को खालिस्तान समर्थक गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या करने के निर्देश दे रहे थे। अखबार ने लिखा है कि रॉ के एक अधिकारी विक्रम यादव ने इस हत्या को सबसे अहम प्राथमिकता बताया था। रिपोर्ट दावा करती है कि यादव की पहचान और इस मामले से जुड़े उनके तार अब तक सामने नहीं आए थे, लेकिन नाम सामने आने के बाद ये साफ है कि रॉ ने ही हत्या के लिए निर्देश दिए थे।